खबर जांजगीर जिले के डबरा से है, जहां पुलिस ने 42 दिन बाद नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने 7 अक्टूबर को नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था, जिसकी शिकायत नाबालिग के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन किया और 19 नवम्बर को आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं नाबालिग ने पुलिस को बताया है कि आरोपी ने ग्राम गोवर सिंघा में अपने फूफा के मकान में रखकर उसका शारीरिक शोषण किया था। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। अपहृत लड़की को बरम किला थाना क्षेत्र से लड़की के उसके फूफा के घर से बरामद किए हैं। लड़की उसके माँ बाप जो है बताए हैं कि उनको जो है शादी का झांसा देके लड़का जो है कृष्णा भारद्वाज निवासी कोटमी का बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ लगातार दैहिक शोषण किया गया है। गवाहों के बयान के आधार पर पीड़िता एवं गवाहों के बयान के आधार पर धारा 376, 367 और 465 को एक्ट जोड़ा गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा जा रहा है।